ज़िंदगी में ना दोस्तों हमें वो नहीं मिल पाता जिसे हम चाहते हैं, हमें तो वही मिलता है जिसके हम लायक होते हैं। और किसी ने सच ही कहा है, योग्यता स्वयं अपना स्थान बना लेती है। कभी कभी ना परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि हमें सब कुछ करना पड़ जाता है। ऐसे में ना फ्रेंड, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की लिखी हुई एक कविता मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बाधाएं आती हैं तो आएं, बाधाएं आती हैं तो आएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वलाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। दोस्तों, हर व्यक्ति ना ऊपर से देखने में बहुत ही साधारण सा दिखता है, लेकिन ना हम सभी के अंदर एक अलग सी शक्ति है। पता है ना, वो शक्ति हमें दिखाई कब देती है? जब स्थितियां हमारे विपरीत होती हैं और जब ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा होता है। इसलिए ना हमें कभी भी किसी भी दिन के लिए मन में ना पछतावा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ अच्छे दिन हमें खुशियाँ देते हैं, वहीं पर बुरे दिन हमें अनुभव भी देते हैं। और वो अनुभव, ऐसा अनुभव जो कि हमें अंदर से ना शक्तिशाली बनाता है और ज़िंदगी की हर चुनौती का सामना करने के लिए हमें मजबूत बनाता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ हम आज के दिन की शुरुआत करते हैं। बड़ों को प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, छोटों को ढेर सारा प्यार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस नए सफ़र में। आशा करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा पूरा परिवार काफ़ी स्वस्थ होगा और अपना खूब ढेर सारा ख्याल रख रहा होगा और जीवन में आगे बढ़ रहा होगा नए जोश और नई उमंग और नई पॉजिटिविटी के साथ। मैं हूँ। तो चलिए फ्रेंड, आज के इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की बेहतरीन शुरुआत करते हैं। और कैसा है हमारा पूरा परिवार और आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, हम सभी लोगों की ज़िंदगी ना एक दूसरे से काफ़ी अलग होती है और जो हमारी परिस्थितियाँ हैं ना वो भी काफ़ी अलग होती हैं। और हमारे घरों में या आसपास के जो भौतिक साधन होते हैं वो भी अलग अलग ही होते हैं। कभी कभी परिस्थितियाँ भी हमें कुछ ऐसा बना जाती हैं कि हमें सब कुछ करना पड़ जाता है और जिसे हम चाहते हैं, और कभी कभी ऐसा है कि ना चाहते हुए भी हमें सब कुछ करना पड़ जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में किस काम को किस तरह से करना है और किसे कहाँ तक, हमको सब कुछ वो परिस्थितियाँ ही सिखा देती हैं सब कुछ कैसे मैनेज करना है। और मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे ना किसी ने कुछ नहीं सिखाया, क्योंकि मैं अपने घर में सभी भाई बहनों में बड़ी थी। और जब मैं 5 या 6 साल की हुई तो मेरी मम्मी की तबीयत लगातार ख़राब होने लगी और मम्मी हाथों पैरों में उनके दर्द होता था तो वो घर का काम नहीं कर पाती। फिर ऐसी परिस्थिति में ना मुझे किसी ने कुछ नहीं सिखाया कि तुम इस काम को इस तरह से करो, और यहाँ तक कि ना मुझे खाना बनाना भी किसी ने नहीं सिखाया। लेकिन परिस्थितियाँ हैं ना कुछ ऐसी हुई कि सब कुछ मुझे अपने आप ही आ गया। और कुछ लोगों को देख के
अगर हम ना टाइम से पहले उस परिस्थिति को पहचान जाते तो हम ना सब चीज़ अपनी लाइफ में जो है वो अपने हिसाब से हम करते, अपने हिसाब से उसे सजाते संवारते, हर चीज़ अपने अपने अकॉर्डिंग रखते। और कुछ लोगों को देखकर आ गया और कुछ अपने अनुभव से आ गया, पता नहीं कैसे आ गया, बस यूं ही आ गया। मैं बस एक चीज़ जानती हूँ कि सबके जीवन में ना संघर्ष का एक समय ज़रूर आता है, चाहे वो बचपन में आए या बड़े होने पर आए। संघर्ष ना ऐसी परिस्थितियाँ हमें अपने साथ लेकर आता है और ऐसा अवसर ज़रूर लेकर आता है कि हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते और अपनी लाइफ को बहुत ही खूबसूरत बना देते अपने कर्मों से, अपनी दृढ़ मेहनत से, अपने दृढ़ संकल्प से और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से। इसलिए हमें अपने जीवन में निगेटिव ना होते हुए भी हर एक चीज़ को पॉजिटिविटी के साथ देखना चाहिए। हमें अपने नज़रिए को पॉजिटिव रखना चाहिए। हमेशा जहाँ एक निगेटिव माइंड हजार कारण देता है हमें असफलता की ओर लेके जाने के लिए, तो वहीं पर दूसरी ओर पॉजिटिव माइंड हजार कारण देता है हमें सफल होने के लिए। ऐसे में ना हमें अपने दृष्टिकोण को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। और संघर्ष तो सबके जीवन में है, किसी के जीवन में कम है तो किसी के जीवन में ज़्यादा है। हमें कभी भी इन संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए, हमें हमेशा इनका डट के सामना करना चाहिए, क्योंकि संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही बड़ी होगी। तो चलिए फ्रेंड, आप लोगों से बातें करते करते समय कब बीत गया पता ही नहीं चला कुछ। और आज का दिन है फ्रेंड, आज है दिन फ्राइडे और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 12 और मैं अपना काम यहाँ पर शुरू की हूँ और काम मेरा हो गया था। और ऊपर आप लोगों ने देखा है आसमान में काले काले बादल आ रहे हैं और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है फ्रेंड। और यहाँ पर आज हो रहा है मेरे बाबू का मुंडन और बाबू मेरा आप लोगों को जितना मतलब दिख रहा है, जितना आसानी से ये बैठ के अपना बाल बनवा रहे हैं और पूरा दो घंटा मैं इनके साथ चिल्लाई हूँ और डंडा लेके इनके पीछे पीछे दौड़ी हूँ। और क्या बोलूँ आप लोगों से, क्या मैं बताऊँ आप लोगों से, क्या क्या मैं इनको कही हूँ, कितना सिफारिश की हूँ जाके, तब तो ये जाके बैठे हैं। और इनको पता नहीं कितना अपने बालों से लगा हो गया है कि मैं बाल नहीं छिलवाऊंगा, मेरे बालों को छोटा छोटा करवा दीजिए, मैं बाल को नहीं छिलवाऊंगा। अरे ऐसा सुनते सुनते मुझे एक जब से छुट्टियां पड़ी हैं स्कूल से तब से मैं सुनते आ रही हूँ। और एक या दो बार ये गए थे बाल को छिलवाने के लिए नाई के पास कटवाने के लिए, कह रहे थे कि मम्मी मैं 0 साइज का करवा लूँगा मगर बाल को छिलवाऊँगा नहीं। तो बाल को फिर वैसे ही ये कटवाए नहीं 0 साइज, अपने हिसाब से ये कटवा के आ गए। और ऐसा करते करते लगभग 1 महीने का टाइम हो गया था और मेरा गुस्सा जो है ना, गुस्सा मेरा एकदम चरम सीमा पे, कहते हैं ना कि किसी एक चीज़ को बार बार देखो और जो दिमाग में बैठ जाता है तो कि कोई बात दिमाग में बैठ जाती है कि आखिर वो क्यों है। तो जब तक मैं उसको मतलब करती नहीं हूँ अपने हिसाब से कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो मुझे पता नहीं क्यों संतुष्टि नहीं मिलती है अंदर से। तो यहाँ पर मैं इनका बाल मैं अपने हिसाब से रखना चाहती हूँ और बच्चे हैं कि मम्मी पापा के हिसाब से नहीं चलना चाहते हैं। यही सबसे बड़ी कमी है दोस्तों, कि हम अपने बच्चों को उनकी मर्ज़ी पे छोड़ देते हैं, यही आगे चल के ये लोग अपनी ही मर्ज़ी चलाने लगते हैं, माँ बाप की मर्ज़ी से नहीं चलते हैं ये लोग। तो अभी क्या है कि बरसात का टाइम है, इनका बाल है जो पुराना है वो उछील दिया जाएगा तो नया बाल आ जाएगा, फ्रेश माइंड हो जाएगा और नए बाल उग जाएंगे। और पढ़ने वाले बच्चों का तो हमेशा ही बाल छोटे छोटे ही रहने चाहिए। तो इधर करते करते मैं काफ़ी बारिश में भीग गई थी और काफ़ी मशक्क़त के बाद उनका बाल हम छील पाए हैं और 3 या 4 लोग लगे थे उनका बाल छीलने में। और बड़े हो गए हैं ये लोग तो ज़्यादा हम प्रेशर भी नहीं देते हैं, मगर मैं किसी न किसी तरह उनको मना ली बाल छिलवाने के लिए।
और फिर यहाँ पर मैं नहा धो के और दो बाल्टी कपड़ा था फिर से मैं धो के बैठी हूँ यहाँ पर लेके, और इतने में मुझे भूख लग गई थी। मैं जामुन बच्चे बीन के लेके आए थे तो वही मैं लेके बैठी हूँ खाने के लिए, और बाल भी मेरा भीगा है, कपड़ा भी भीगा है, सारा मेरा कपड़ा गीला हो गया था फ्रेंड। तो बातों बातों में आज का मेरा ब्लॉग यहीं ख़त्म हो गया फ्रेंड, और मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा आज का सफ़र, और आप लोग मेरे सफ़र में यूं ही बने रहिए, ऐसे ही अच्छे मोटिवेशनल मैं ब्लॉग आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं ऐसे ही दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय।